नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू वर्ल्ड पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार कब पड़ रहा है, इस बात को लेकर लोगों में संशय है। 30 या 31 अगस्त को लेकर लोगों में मतभेद है। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस साल पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है, इसलिए रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में मतभेद है। आपको बता दूं कि इस बार पूर्णिमा की तारीख 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को शुरू होकर अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार तक रहेगी, लेकिन पूर्णिमा तारीख लगते ही भद्रा काल लग जा रही है। भद्रा काल रात 9:03 तक रहेगी, जिसकी वजह से इस बार रक्षाबंधन 2 दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल 30 तारीख दिन बुधवार को पूरे दिन भद्रा रहेगी और भद्रा काल में राखी बांधना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर आप 30 तारीख को राखी बांधना चाहते हैं तो रात 9:03 के बाद राखी बांध सकते हैं, यानी बुधवार रात 9:03 से लेकर गुरुवार सुबह 7:07 तक शुभ समय है। दोस्तों, भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ होता है। जब भी भद्रा काल लगी रहती है, उस समय बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती हैं। राखी बांधते समय इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा न चल रहा हो। शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन का नाम है, जो भगवान सूर्य और माता छाया की संतान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ है। ऐसा माना जाता है कि रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसकी वजह से रावण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।